राजा राममोहन राय की 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर शासकीय आदर्श कन्याशाला दुर्ग में महिला सशक्तिकरण महाअभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत स्कूली छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ शहर विधायक व महापौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग के शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में राजा राममोहन राय की 250वीं जन्म शताब्दी के समारोह के अवसर पर आदर्श स्कूल प्रांगण में महिला सशक्तिकरण महाअभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके पहले स्कूली छात्राओं द्वारा महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की सभी छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुई। इस अवसर पर पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने राजा राममोहन राय की जीवनी पर प्रकाश डाला और छात्र छात्राओं से चर्चा भी की और साथ ही रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष विधायक वोरा व स्कूल के प्राचार्य सहित शिक्षिकाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत के जनक राजा राममोहन राय जी की 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हम सब उनका पूरे देश उनका पुण्य स्मरण कर रहा है और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प ले रहा है। राजा राममोहन जी का संपूर्ण जीवन एक निष्काम कर्मी की तरह बीता। उन्होंने समाज के हर वर्ग की तरफ ध्यान दिया, खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने उनके मन में जो कल्पना थी, जो सोच थी, उसे उसके साकार रूप में भी परिणित किया। उन्होंने कहा था कि सती प्रथा का अंत हो, बाल विवाह नहीं किया जाना चाहिए, ताकि महिलाएं अपने कदमों पर खड़ी हो, स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। ये सारा चिंतन उनका अपना था, जिस पर आज हमारा देश कार्य कर रहा है। तो राजा राममोहन राय जी को हम कभी भुला नहीं सकते, कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनका इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सब उनको आज नमन करते हैं। उनके सम्मान में आज यहाँ पर हमारी आदर्श कन्या विद्यालय के द्वारा रैली का आयोजन किया गया, उसमें सहभागी बनने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। राममोहन राय जी की 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर विद्यालय में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो रहा है और महारैली विद्यार्थियों के द्वारा निकाली जा रही है। इस रैली का शुभारंभ हमारे शहर के दुर्ग शहर के विधायक माननीय श्री अरुण वोरा जी तथा हमारे महापौर श्री बाकलीवाल जी के द्वारा ये रैली का प्रारंभ किया गया जी। इसके साथ ही 2 बजे से हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमने 4 महिलाओं को आमंत्रित किया है जो इसी विद्यालय से पास आउट हैं। उसमें सबसे मुख्य हैं हमारी शबा अंजू मैडम, जो कि DSP हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रही हैं, और हमारी शाला विकास की सदस्य तथा यहाँ इस विद्यालय की इस वार्ड की पार्षद श्रीमती नजत परवीन को भी बुलाया गया है, जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, और आकर्षी कश्यप को बुलाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अभी रही हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले। मैं श्रीमती नीता भट्ट, प्राचार्य शासकीय आदर्श कन्या विद्यालय दिल्ली। राय की जन्म शताब्दी 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का आयोजन हमारे दुर्ग प्रदेश का प्रभार हमको दिया गया है, हमारे स्कूल को दिया गया है। इस अवसर पर शक्ति ये शक्ति का पर्व है और इस शक्ति स्वरूपा के लिए महिलाओं को साक्षर होना अनिवार्य है। यह बताने के लिए हमने विभिन्न विभूतियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, ताकि हमारी छात्राएं इन विभूतियों से प्रेरणा ले सकें और आने वाले जीवन के लिए तैयार हो सकें। इन विभूतियों के द्वारा जो वाक्य प्रेरणास्पद वाक्य बोले जाएंगे, उनसे छात्राओं को आगे एक नई दिशा मिल सकेगी, ऐसी हमें आशा है। और शक्ति का ये पर्व जो एजुकेशन से रिलेटेड है, और इसके द्वारा ही बच्चे आगे प्रेरणा ले सकेंगे, ऐसी हमें आशा है। मैं व्याख्याता स्वाति महापात्र, आदर्श कन्या दुर्ग। हम आज डॉक्टर राजा राम मोहन राय की 250वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमारे बच्चों के आदर्श स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी पूरे बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई है, और उस रैली के साथ साथ यहाँ पे जिनके द्वारा महिला सशक्तिकरण की पहचान हुई है, यानी कि डॉक्टर राजा राममोहन राय के, तो उनके कारण इस महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आदर्श स्कूल में रखा गया है। और इस आदर्श स्कूल के कार्यक्रम में बहुत से विभूतियों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, जो कि हमारे दुर्ग से ही पढ़ करके इसी आदर्श स्कूल से पढ़ के निकले हैं, उनको बुलाया गया है जी।
ये स्कूल आदर्श स्कूल मेरे वार्ड में आता है। मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो कि इतना बड़ा इतना अच्छा आयोजन हो रहा है और ये मेरे वार्ड में आता है। मेरा नाम श्रीमती नजहत परवीन है, वार्ड नंबर 40 की मैं पार्षद। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।